तो इंजीनियर्स, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक सिविल गुरुजी में एक दिन कैसे बीतता है ना। कि आप लोग सोचते होंगे कि सर पढ़ाया कैसे जाता है, यहाँ पर कैसी ट्रेनिंग की जाती है, तो आज पूरे वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हमारे मॉडल चलता है, कैसे हम हमारे इंजीनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और क्यों ये ट्रेनिंग बहुत ही खास है हर सिविल इंजीनियर्स के लिए जिसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि क्या होता है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले हमारा क्लास स्टार्ट होता है, जहाँ पर 9 बजे हमारे इंजीनियर्स आ जाते हैं हमारे क्लास में। देन मेरा सबसे पहला काम होता है उनका प्रेजेंटेशन लेना और उनको जो टास्क दिए गए हैं उसे चेक करना कि उन्होंने प्रॉपर वे में किया है या नहीं किया है। जैसे कि अभी इस्टीमेशन के क्लासेस चालू है, तो मैं उनका डेली MB बुक चेक करता हूँ। डेली हम उनको अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, इस्टीमेशन और उसको MB बुक में कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। और सेकंड डे उनको बताया जाता है कि आपको क्या करके लाना है, तो वो टास्क चेकिंग सबसे पहले होता है। तो MB बुक कम्प्लीट हो गया सभी का? अच्छा ठीक है, मैं एक एक करके चेक करता हूँ सभी का। प्रेजेंटेशन कंटिन्यूसली चालू ही रहता है पैरेलल में। हर प्रेजेंटेशन के बाद मैं इंजीनियर्स को गाइड करता हूँ कि उन्होंने आज प्रेजेंटेशन में क्या किया, क्या उनको और डेवलप करना है, जिससे उनका पर्सनालिटी डेवलप हो और वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाए या किसी कंपनी में जाकर अच्छे से एग्जीक्यूशन या अच्छे से परफॉर्म चीज़ें कर पाए। तो ये गाइडेंस हम लोग हर इंजीनियर्स के लिए देते हैं। सभी इंजीनियर्स को मैं गाइड करता हूँ उनके प्रेजेंटेशन के बाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अविनाश साबले है और मैं अहमदनगर से हूँ, और आज मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो टॉपिक है पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट। थैंक यू। तो अविनाश, आपका प्रेजेंटेशन तो अच्छा था, लेकिन आपको ना आई कांटेक्ट करना पड़ेगा अपने ऑडियंस के साथ या जिसके भी सामने आप एक्सप्लेन कर रहे हो उनके साथ, है ना। तो मैंने देखा कि एक्सप्लेनेशन अच्छा था, चीज़ें भी आपको आती है, बस आई कांटेक्ट करो जिससे आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा हो। ठीक, नेक्स्ट कौन आ रहा है प्रेजेंटेशन के लिए?
जैसे ही इनका प्रेजेंटेशन का पार्ट खत्म होता है देन हम लोग ज्वाइन करते हैं डिजिटल ट्रेनिंग को। डिजिटल ट्रेनिंग में अलग अलग टॉपिक को अलग अलग ट्रेनर द्वारा सिखाया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है जो कि हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि इस्टीमेशन के लिए इंजीनियर चेतन सर, BBS के लिए इंजीनियर आकाश सर, सर्वे के लिए इंजीनियर फजल सर, साथ ही साथ क्वांटिटी सर्वे के लिए किशन सर, और साथ ही साथ हमारे पुष्पेंद्र सर पढ़ाते हैं आपको बिलिंग, केस स्टडी एंड कॉन्टेक्ट टेंडरिंग का पार्ट। जैसे ही इनकी डिजिटल ट्रेनिंग चालू होती है तो डायरेक्ट उनसे इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि आप हमारे इंजीनियर को देखेंगे कि अभी इंटरेक्शन करते हुए। लेकिन इसके लिए हमें एक अलग से अलग प्रोसीजर बनाना पड़ रहा है, है ना? तो ऐसी कॉस्ट को लास्ट में एज अ कॉन्टिजेंसी कॉस्ट के रूप में इंक्लूड कराते हैं। जो चीज हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो 2-3% कॉन्टिजेंसी चार्जेस होते हैं, तो उसके अंदर इंक्लूड करा देंगे सबको। धन्यवाद। तो ऐसे ही इंटरेक्शन आप डायरेक्टली उनसे कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर उनसे पूछ सकते हैं और जो भी डाउट्स रहता है वो क्लियर हो जाता है। देन जैसे ही डिजिटल क्लास चालू रहती है हमारे इंजीनियर्स फोकस होकर उन चीज़ों को पढ़ते हैं, उन चीज़ों को जानते हैं एकदम डिटेल में, ब्रीफ में कि क्या क्या होता है। छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में भी उनको बताया जाता है, IS कोड का रेफरेंस उन्हें दिखाया जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि एज़ पर IS कोड कैसे काम किया जाता है। देन जैसे ही डिजिटल क्लास ख़त्म होती है देन आता हूँ मैं, जो कि फिजिकल ट्रेनर यहाँ पर मौजूद रहता हूँ, जहाँ पर इनको बाकी के क्लासेस, इनको गाइडेंस देना, ये सारे काम मेरे को होते हैं। कुछ इंजीनियर सभी कुछ दिन पहले साइट विजिट्स में भी गए थे जहाँ पर इन्होंने अलग अलग चीज़ें देखी, जैसे कि स्लैब बीम की शटरिंग, स्लैब का शटरिंग, स्लैब की कॉन्क्रीट क्या होता है, उसमें क्लियर स्पैन किसको बोलते हैं, साथ ही साथ वाटर लेवल ट्यूब से इन्होंने लेवल ट्रांसफ़र करना भी सीखा और प्लम्ब अप की हेल्प से इन्होंने वर्टिकैलिटी भी चेक की। और इंजीनियर्स आज मैं इनको बताने वाला हूँ कि कैसे इसको फ्लोरिंग के आइटम्स को निकालते हैं। जैसे कि आज फ्लोरिंग का क्लास ख़त्म हुआ तो सर ने इनको सारे डिटेल्स अच्छे से समझा दिए, अब इसको MB बुक में कैसे लिखना है, उसकी क्वांटिटीज़ कैसे निकालनी है, मेजरमेंट्स कैसे लेने, ये अभी मैं इन्हें क्लास में सिखा रहा हूँ। कोटा स्टोन तो सभी ने पढ़ लिया था, कहाँ कहाँ पर लगा कोटा स्टोन? बालकनी। अच्छा, क्या क्या निकाले हमने कोटा स्टोन में? एक तो पहले फ्लोरिंग निकाले जो फ्लोरिंग में लगा, उसके बाद स्कर्टिंग निकाले और उसके बाद जो डिडक्शन आया था बीच में वो डिडक्शन हमने कर दिया। अभी हम लोग पढ़ने वाले विट्रीफाइड टाइल्स के बारे में, है ना? तो विट्रीफाइड टाइल्स कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है देखो तो हमारे ड्राइंग में, आप सभी के पास ये ड्राइंग है। अच्छा ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया कि ड्राइंग कैसे रीड कर सकते हो आप अभी, है ना? तो ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले बना देता हूँ हमारा मेजरमेंट शीट। क्या रहता है मेजरमेंट शीट में? सबसे पहले पार्टिकुलर्स, देन उसके बाद नंबर्स, देन उसके बाद लेंथ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद टोटल, देन क्या आता है हमारा रिमार्क। तो ठीक है, विट्रीफाइड टाइल्स लगाते हैं। सबसे पहले चालू करते हैं आप लोगों की फेवरेट जगह कौन सी? अरे बाप, सभी की फेवरेट है ना? ठीक है, तो बेडरूम से चालू करते हैं हम लोग।
देन कुछ चीज़ें सिखाने के बाद इनको कुछ टास्क क्लास में भी दिया जाता है और कुछ टास्क इनको घर से करके लाने के लिए भी दिया जाता है। जैसे कि क्लास ख़त्म होते ही मैंने इनको दे दिया अभी कि सिरामिक टाइल्स का जो क्वांटिटी है वो निकाल के बताओ, तो ये अभी क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं क्वांटिटीज़ को, क्या ये ड्राइंग की हेल्प से बरोबर उसे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या ड्राइंग रीडिंग में इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें मुझे चेक करना होता है। तो जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग देख पा रहे हो हमारे इंजीनियर्स को ये कुछ फ्लोरिंग आइटम सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर इनका कोटा स्टोन और साथ ही साथ विट्रीफाइड टाइल्स तो खत्म हो चुका है, अभी ये सिरामिक टाइल्स सॉल्व कर रहे हैं। तो हम हमारे इंजीनियर से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या वो ड्राइंग की हेल्प से वो सिरामिक टाइल्स सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेल्सन से। तो नेल्सन आप बताइए कि ये सिरामिक टाइल्स कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया गया है। सर जैसे ड्राइंग में अभी दिया है कि इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया है, जैसे अभी किचन में दिया है यहाँ पे कि सिरेमिक प्रोवाइड किया गया है। अच्छा। 2.1 मीटर तक के। और फिर यहाँ पे इधर पे टॉयलेट्स में दिया है। और उनके कितना डाडू दिया है वो भी दिया है, और स्टेयरकेस में दिया है कि 900 mm तक के प्रोवाइड करना है डाडू। तो आप सॉल्व कर पा रहे हो ये चीज़ें? यस सर। अच्छा, तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपने सॉल्व की हुई है, मैं इंजीनियर्स को भी दिखाना चाहूँगा कि अभी सिरेमिक टाइल्स सॉल्व कर रहे हैं अपने मैनुअल्स में और कॉपी में। तो मुझे बताइए कि कैसे निकाले, अगर मैं फ्लोरिंग में कर रहा हूँ तो डिस्टेंस कहाँ से लेना पड़ता है मुझे? फ्लोरिंग के लिए अगर कर रहे तो एरिया लेना पड़ेगा। अच्छा। और जो दिया रहता है ड्राइंग में। अच्छा। और फिर उससे निकाल सकते हैं हम, निकाल मतलब जितना एरिया है उसने में हमें लगाना है। बिल्कुल। ये डैडो क्या होता है? डैडो जो वॉल पे लगाते टाइल्स। अच्छा। जो स्पेसिफिकली अगर किचन में या बाथरूम में लगाते हैं। और ज़्यादातर मतलब, और फिर लगा लेते हैं स्टेयर केस में इसमें। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें डैडो में आती है। और स्कर्टिंग क्या होता है ऋषिकेश, आप बताइए। स्कर्टिंग मतलब जो अपने ग्राउंड लेवल होता है उधर हम प्रोवाइड करते हैं, उसकी हाइट 0.15 मीटर रहती है। अच्छा, 150 mm तक की हाइट रहती है उसकी। तो जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग देख पा रहे हो कि ये लोग सॉल्व कर रहे हैं, सभी के सभी इंजीनियर्स हमारे सॉल्व करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। उनके पास एक फ्लोरिंग ड्राइंग है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने हमारे इंजीनियर्स को प्रोवाइड करते हैं। इस फ्लोरिंग ड्राइंग से ये लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं सिरामिक टाइल्स। देन इसके बाद ये लोग पूरी फ्लोरिंग का आइटम निकालेंगे, साथ ही साथ अभी तो ग्रेनाइट बाकी है इनका, मार्बल्स बाकी है, और भी बहुत सारी चीज़ें ये लोग निकालने वाले हैं। तो आगे और भी इसके बारे में बताऊंगा कि हमारी, तो जैसे कि नेल्सन ने अभी आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बताई, एकदम इजी था, सभी को आ गया था निकालने कि सिरामिक टाइल की क्वांटिटी कैसे निकलती है। तो अब आगे मैं इनको ग्रेनाइट का पढ़ाने वाला हूँ। देन इनको आज होमवर्क देने वाला हूँ मैं कि घर पे जाएंगे और MB बुक में लिख के आएंगे सारी चीज़ें जो इन्होंने आज पढ़ी है। तो कल फिर से वही टास्क रीडिंग कम्प्लीट हो जाएगा और सारी चीज़ें वो रिपीट होगी जैसा कि आज मैंने बताया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सेशन। सेकंड सेशन में बहुत जल्दी लाऊंगा क्योंकि अभी भूख बहुत लगी है, तो मैं आता हूँ थोड़ा खाना खा के, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।